होली हम सबको बहुत ज़्यादा भाती है। होली खास तौर से अगर हो राधा कृष्ण शो में तो भाई वो चार चांद लगा ही देती है। लेकिन होली सीन को शूट करते में आखिर कौन सी ऐसी मुश्किल परेशानी सुमित मुदुलकर और मल्लिका सिंह के सामने आती है, इस बात से अब पर्दा उठ चुका है। रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में जब सुमित से होली सीक्वेंस के बारे में जिक्र किया गया तो उन्होंने अपनी पुरानी होली की बातों को बताते हुए कहा कि होली सीक्वेंस बहुत लंबा सीक्वेंस होता है। We had a good choreographed team and it's really fantastic to work in a such environment. Besides it, मज़ा तो आता है लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल होता है शूट करना कलर्स के साथ, क्योंकि आपको वो कंटिन्यूटी मैच करनी पड़ती है। जैसे कि आपने एक शूट किया सीक्वेंस वाइज 1 2 3 और वहाँ आपने एंड कर दिया, फिर आपके फेस पर आपके कपड़ों पर ब्लू का कुछ लाइट शेड लग गया है। अब नेक्स्ट डे आपको उतना ही लाइट शेड अपने सीन के कंटिन्यूटी से मैच करने के लिए उतना ही तरीके का उसी जगह पर दोबारा से मेकअप करना होगा जैसे मानो वो कंटिन्यूटी में चल रहा हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ मुश्किल्स एंड इश्यूज, बट हाँ टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम एक साथ काम करती है तो इसलिए हो जाता है। वेल तो देखा आपने कि सुमित जितने खूबसूरत, जितने शानदार और जितने इजीली होली सीक्वेंस में हमें नज़र आते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ होली खेलते हुए असल ज़िंदगी में इन्हें सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा रेगुलर शूट से हट करके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसका रिजल्ट इनकी हाई टीआरपी में तो दिखता ही है लेकिन फैंस के दिलों में इस होली की छव, इस होली की जो इफ़ेक्ट है वो पूरी साल के लिए छूट जाती है। वेल अपकमिंग होली का क्या होने वाला है सिनेरियो, ये हमने आपको राधा कृष्ण के प्रोमो में दिखा ही दिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो राधा कृष्ण शो की नए प्रोमो की रिव्यू वीडियो हमने पोस्ट की है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सी आपा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।